हेलो फ्रेंड्स, मैं एके पाठक, रिटायर्ड केवीएस नेशनल अवार्डेड टीचर, आपका अजय कुमार पाठक एजुकेशनल हब में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्लास वन में जो छात्र छात्राएं प्रवेश लेना चाहते हैं उनके न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए और अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे तो केवीएस ऑनलाइन पोर्टल क्लास वन के प्रवेश के लिए है, वह एक्सेप्ट करेगा या नहीं, किन छात्रों की आयु में छूट मिलती है, आप आज हम इन सब के बारे में मैं बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जानकारी प्रस्तुत है। केवीएस गाइडलाइन के अनुसार जो चाइल्ड है क्लास वन में, उसकी मिनिमम आयु 5 साल होनी चाहिए। 31 मार्च 2022 को, जो एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला है, इन विच द एडमिशन इज सॉर्ट फॉर क्लास वन। 31, हम डेट ऑफ बर्थ हम कैसे निकालेंगे, 31/3/2022 को 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। तो 31/3/2022 में 5 साल माइनस कर देंगे तो 31 मार्च 2017 आएगा, और क्लास वन के लिए 5 साल मिनिमम और 7 साल मैक्सिमम एज। तो 31/3/2022 में 7 साल माइनस कर देंगे तो 31/3/2015 आएगा। इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपके बच्चे का जन्म होना चाहिए। 1/4/2017 को भी कंसीडर कर सकते हैं, और जो मिनिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स कर सकते हैं बाय द 2 ईयर्स इन द केस ऑफ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। और ये इसके बाद मैं आपको एडमिशन गाइडलाइन बताने जा रहा हूँ। एडमिशन गाइडलाइन में जो दिया हुआ है वो बता दूंगा, और मैंने टेबल बनाई हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एडमिशन एलिजिबिलिटी फॉर द एडमिशन, ए चाइल्ड मस्ट बी 5 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 31 मार्च इन द एकेडमिक ईयर। जैसे एकेडमिक ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा तो 31 मार्च तक 5 साल होने चाहिए कंप्लीट। और 1 अप्रैल को, अगर 1 अप्रैल 2017 को अगर जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ फॉर द एडमिशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन द वेरियस क्लास आर गिवन बिलो। क्लास वन के लिए मिनिमम एज 5 साल होने चाहिए जिस साल एडमिशन हो, मिनिमम 31 मार्च को, और जिसका 31, अभी 2022 से 5 साल माइनस कर देंगे तो 2017, 31 मार्च 2017 से पहले, मीन्स 1 अप्रैल 2017 अप्रैल को भी कंसिडर कर लेंगे 17 से पहले, और 1 अप्रैल 2000, इसमें 31 मार्च 2022 में से 7 साल माइनस कर देंगे तो 31 मार्च 2015, मीन्स 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में जो बच्चे हैं, और 1 अप्रैल वाले को भी कंसिडर कर सकते हैं। ये क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए, सेकंड के लिए 6 मिनिमम, 7 साल, 8 साल, फिर थर्ड के लिए 7 और 9, फोर्थ के लिए 8 और 10, फिफ्थ के लिए 9 और 11, सिक्स्थ के लिए 10+12, सेवेंथ के लिए 11-13, एट्थ के लिए 12-14, और नाइन्थ के लिए 13-15, और 14 ईयर्स टेंथ के लिए, और 16 ईयर्स। द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स बाय द 2 ईयर्स इन द केस ऑफ डिफरेंटली एबल चिल्ड्रंस, उनके लिए बाय द प्रिंसिपल। द एज रिस्ट्रिक्शन फॉर द क्लास एडमिशन फॉर क्लास 11, प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लास 10th का पासिंग एग्जाम करेगा उसके बाद उसको
Similarly, there will be no upper and lower age limit for admission of class 12 provided there is no break in the continuous study of the students after passing class 11th. ठीक है, इसके बाद ये मैंने वर्ड फाइल बनाई हुई है, इसमें अकॉर्डिंग टू द केवीएस गाइडलाइन एलिजिबल एज फॉर द एडमिशन रेफर्ड फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में जो दिया हुआ है, बच्चे की जन्म तिथि ये पोर्टल लिया है https://kvsonlineadmission.kvs.gov.in, इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है, यह एक अनिवार्य जानकारी है, कृपया इसे समक्ष अधिकारी द्वारा आपके बच्चे के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार ही दर्ज करना है, उसमें इसमें साइन अप के बाद कोई संशोधन नहीं हो सकता। कृपया नोट करें 1/4/2022 को क्लास 1 में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें दिव्यांग डिसेबल हैं आवेदकों को 2 वर्ष की छूट है। ये 5 साल 31 मार्च को होने चाहिए एकेडमिक ईयर। इसमें 5 और 7 साल फर्स्ट के लिए दिया हुआ और जो सेम जो पहले बताया हुआ है, इसमें मैंने 1/4/2015 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में क्लास 1 की एज होनी चाहिए, सेकंड की एज 1/4/2014 से 16, 31 मार्च 2016, क्लास 3 के लिए 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 तक, क्लास 4 के लिए 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 तक, 5th के लिए 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2013 तक। इसमें अगर 1 अप्रैल 2017 भी डेट है तो उसको भी प्रिंसिपल कंसीडर कर सकते हैं। ये टेबल दी हुई है, इस टेबल के अनुसार केवीएस ने जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार ये आयु लिमिट है। आप देख लीजिएगा आपके बच्चे की क्या एज है और उसके बाद ही फॉर्म में करेक्ट करेक्ट भरिएगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आगे अगली जानकारी, न्यूनतम जानकारी, नई जानकारी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।